प्राची रणबीर पहुंच गए एक ही डॉक्टर के पास एक ही हॉस्पिटल में और आ गई रणबीर के सामने प्राची के पेट में उसके बच्चे की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब रणबीर प्राची के जले हुए पैर में मलहम लगाएगा तब प्राची गुस्से से रणबीर को जाने के लिए कहेगी और कहेगी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम अब जा सकते हो, बिना कहे तुमने मेरी बहुत मदद कर ली। यह सुनकर रणबीर को काफी ज्यादा मन ही मन गुस्सा आएगा, लेकिन जब प्राची सोने की कोशिश करेगी तभी प्राची को अचानक से पेट में जोरों से दर्द होने लगेगा, जिस वजह से प्राची अपने डॉक्टर को फोन करेगी और जैसे ही डॉक्टर फोन उठाएगी तब डॉक्टर प्राची को कहेगी क्या हुआ प्राची, एनीथिंग सीरियस प्राची, तब प्राची कहेगी नहीं मुझे पेट में अनइजी फील हो रहा है। यह सुनकर डॉक्टर कहेगी कल सुबह 11 o'clock आ जाना, जिसे सुनकर प्राची हाँ कह देगी। लेकिन प्राची के जले हुए पैर में रणबीर के दवाई लगाने के बाद जब रणबीर अपने कमरे में जाएगा तभी रणबीर को अपनी माँ की दवाई यानी कि मेडिसिन की याद आएगी, इसीलिए रणबीर डॉक्टर को अपनी माँ की मेडिसिन के लिए फोन करेगा और ये प्राची की ही डॉक्टर निकलेगी, जिस वजह से रणबीर जब फोन करके डॉक्टर को कहेगा कि मेरी माँ की मेडिसिन आ गई है तब डॉक्टर कहेगी हाँ तुम्हारी माँ पल्लवी कॉलेज की सारी मेडिसिन आ गई है, कल सुबह 11 o'clock यानी कि 11 बजे आकर ले जाना। इसीलिए रणबीर अपनी माँ पल्लवी की मेडिसिन लेने के लिए जब सुबह जल्दी तैयार हो जाएगा और प्राची अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने के लिए भी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएगी और प्राची रणबीर दोनों का ही एक ही हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होने की वजह से जब प्राची रणबीर दोनों ही घर से जा रहे होंगे तभी रिया प्राची रणबीर पर शक करेगी, इसीलिए सबसे पहले रणबीर को रोकेगी और रोकते हुए रणबीर को कहेगी कि आज कहाँ जा रहे हो, तब रणबीर कहेगा कुछ नहीं मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मेरी माँ की कुछ मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर रिया रणबीर को जाने के लिए कह देगी, लेकिन इसके बाद जब रिया प्राची को कहेगी कि प्राची रुको तुम कहाँ जा रही हो, तब प्राची कहेगी तुमसे कोई मतलब, मुझे जरूरी काम है और वो काम खत्म करने के लिए जा रही हूँ। यह सुनकर रिया कहेगी आज ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया, कहीं तुम मेरे पति रणबीर के पीछे तो नहीं जा रही। यह सुनकर प्राची कहेगी मेरे पास तुम्हारी तरह कोई फालतू का टाइम नहीं है, मेरा आज जरूरी काम है उसे खत्म करने के लिए जा रही हूँ और वो काम मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रिया को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्राची अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाएगी। वही रणबीर ऑफिस जाने से पहले 11 बजे के लिए प्राची के ही हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में जब प्राची रणबीर दोनों ही पहुंचेंगे और वेटिंग लिस्ट में बैठे होंगे तभी प्राची रणबीर दोनों की ही नजर एक दूसरे पर नहीं पड़ेगी, जिस वजह से 11 बजे प्राची का नंबर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट में आ जाएगा। तभी प्राची अपना अंदर चेकअप करवाने के लिए चली जाएगी, लेकिन रणबीर की नजर फिर भी प्राची पर नहीं पड़ेगी, लेकिन रणबीर को अपने आसपास प्राची के होने का एहसास हो जाएगा। इसी वजह से प्राची की प्रेगनेंसी चेकअप करते वक्त डॉक्टर को काफी ज्यादा समय हो जाएगा, तब रणबीर अंदर मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर से पूछने के लिए आएगा और डॉक्टर को कहेगा कि अब कितना वक्त लगेगा, तब डॉक्टर कहेगी बस हो ही गया। लेकिन वहाँ जब रणबीर की नजर प्राची पर जाएगी और डॉक्टर प्राची का चेकअप कर रही होगी तभी प्राची को अपना चेकअप करवाते हुए देख रणबीर के होश उड़ जाएंगे और आ जाएगी रणबीर के सामने प्राची की प्रेगनेंसी की सच्चाई। और लेकिन अब प्राची की प्रेगनेंसी की सच्चाई रणबीर के सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और अगर प्राची की प्रेगनेंसी की सच्चाई रणबीर के सामने नहीं आई तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, और आप प्राची को रणबीर के बच्चे की माँ के रूप में देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।